हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ई साथी उत्तर प्रदेश ऐप के बारे में। इस ऐप के अंतर्गत क्या क्या फीचर दिए गए हैं और इस ऐप के द्वारा आप क्या वर्क कर सकते हैं। इस ऐप के अंतर्गत जो भी फीचर दिए गए हैं उन सभी फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आप इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में आ जाएंगे और प्ले स्टोर में आप आने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप करेंगे ई साथी। जैसे ही आप टाइप करके यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ई साथी यूपी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ओपन दिखाई दे रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल दिखाई देगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से ओपन करेंगे और जब ओपन करेंगे तो कुछ इंटरफेस आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यदि आप इंग्लिश में चलाना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को तो यहाँ पर आप इंग्लिश पर टाइप करेंगे। यदि आप हिंदी में चलाना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को तो आप यहां से हिंदी पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद हम यहां पे जो मेनू दिया गया है इसके बारे में बात करने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि हम आयजात निवास बनाएं इस एप्लीकेशन के द्वारा तो आप यहां से आयजात निवास बना सकते हैं। इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की जो ऑफिशियल आईडी है वो लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ये आम जनमानस के लिए, आम नागरिकों के लिए यह सुविधा दिया गया है। यहाँ पर आप सिंपली अपना आईडी पासवर्ड बना करके और आप यहाँ से आयजात निवास प्रमाण पत्र का आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। जब आप अपना आयजात निवास प्रमाण पत्र आवेदन कर लेंगे तो आपको एक आवेदन संख्या मिल जाता है, तो उस आवेदन संख्या के अनुसार अपना आप आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है आवेदन की स्थिति, आप यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ से आप अपना आवेदन की स्थिति यहाँ से टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको जो आवेदन संख्या मिला है उस आवेदन संख्या को यहाँ पर टाइप करेंगे। आवेदन संख्या टाइप करने के बाद आप खोजे पे टाइप करेंगे। जैसे ही आप खोजे पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आवेदन की स्थिति के अंतर्गत देखेंगे कि कुछ विवरण आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र का प्रकार, आवेदक का नाम, आवेदन की स्थिति यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है, बन चुका है, यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र है वो तैयार हो चुका है, यहाँ पे जिला और आवेदन की तिथि क्या है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ से आप बैक कर लेंगे। एक बार आप दोबारा यहाँ से बैक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अगले क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे प्रमाण पत्र का सत्यापन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। प्रमाण पत्र का सत्यापन के अंतर्गत देखेंगे कि दो प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर QR स्कैनर द्वारा और आवेदन संख्या एवं प्रमाण पत्र संख्या द्वारा। जब भी आप का आवेदन पत्र जैसे जब तैयार हो जाता है, आय जाति निवास प्रमाण पत्र आपका जब बन जाता है तो उसका सत्यापन करने के लिए आपको दो मेथड दिए गए हैं। पहला जो है QR कोड इमेज जो दिया होता है उसके द्वारा आप स्कैन कर सके भी आपका सत्यापन देख सकते हैं, और आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या जब आपको मिल जाता है तो वहाँ से भी आप उन दोनों नंबर को आप टाइप करके भी आप प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं। तो हम जो पहला स्टेप है उसको पहले आपको करके दिखाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे जब आप, तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाई सर्टिफिकेट बाय QR कोड और कुछ इस प्रकार से इमेज होगा आपके सर्टिफिकेट पे। तो आप यहाँ पे नीचे जो दिया गया है टैप हियर टू स्कैन पर आप यहाँ पर टैप करेंगे, और जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो जो इमेज होगा वो इमेज आप यहाँ पे स्कैन करेंगे और देख सकेंगे आप यहाँ पर कि जो भी सर्टिफिकेट का डिटेल है वो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ऐसे आप सर्टिफिकेट का वेरीफिकेशन कर लेंगे। अब हम यहाँ से बैक करते हैं एक बार, और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आवेदन संख्या एवं प्रमाण पत्र संख्या द्वारा, तो आप सेकंड जब ऑप्शन पे टाइप करें, जैसे ही हम प्रमाण पत्र का सत्यापन पे टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे इंटरफेस में देखेंगे कि आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक टाइप करके खोजे पे टाइप करेंगे तो जैसे पिछला इन्फॉर्मेशन आप QR कोड इमेज के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा था वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इस प्रकार से आप प्रमाण पत्र का सत्यापन आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक के द्वारा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको बैक करते हैं। बैक आने के बाद एक बार हम पुनः बैक करेंगे और जो हमारा अगला जो ऑप्शन है उपलब्ध सेवाएं, हम यहाँ पर टाइप करते हैं। जब यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि ई साथी यूपी ऐप के अंतर्गत क्या क्या फीचर दिया गया है। यहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास या निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, यहाँ पर कई ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कई सुविधाएं दिए गए हैं। जैसे क्या है कि आप यदि आप मान लीजिए आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर विभाग का नाम, राजस्व विभाग, शुल्क कितना लगता है, जैसे आप जो अधिकृत केंद्र होते हैं जैसे जनसेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर 30 रुपया, और यहाँ पर आप जब खुद ही आप
आम नागरिक अपना यदि आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 15 रुपये कॉस्ट आएगी। यहाँ पे समय सीमा क्या होती है, बनकर आपको 20 दिन के अंतर्गत मिल जाएगा। आवश्यक दस्तावेज में क्या होगा, आवेदक का फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, वेतन भोगी होने की दशा में अद्यतन वेतन पर्ची, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो कैसे हम आयात निवास अप्लाई करेंगे, आपको हम एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब ओके करने के बाद हम फिर यहाँ से बैक करते हैं। बैक आ जाने के बाद अब हम बात करेंगे सेवाओं के लिए पंजीकृत लॉगिन करें। तो हम यहाँ पे जब टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ई साथी यूपी के अंतर्गत यहाँ आते हैं। जैसे यदि आप इसमें यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मांगा जाएगा उस इन्फॉर्मेशन को आप बारी बारी फिल करके दर्ज करें पे क्लिक करेंगे तो आपका आईडी जनरेट हो जाएगा और आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके अब यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर लेंगे और यहाँ से जब सबमिट करेंगे तो आपका लॉगिन डैशबोर्ड आएगा। और लॉगिन डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ से आप आय जाति निवास प्रमाण पत्र का आवेदन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यदि कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।